तो वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा। गहलोत ने एक्स पर पोस्ट किया कि भाजपा राज में 6 महीने में कानून व्यवस्था बेपटरी हो गई है। राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध अपराध लगातार बढ़े हैं। महिला अपराध पर 2023 के तुलनात्मक आंकड़े जारी किए। महिला अपहरण के मामलों में 10.28% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बलात्कार के मामलों में 8.03% की बढ़ोतरी हुई तो गैंगरेप के मामलों में 7.19% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। और साथ ही साथ पूर्व सीएम ने यह भी कहा कि कब तक सहेगा राजस्थान। राजस्थान में महिला सुरक्षा को लेकर के अशोक गहलोत ने लिखा कि भाजपा ने नहीं सहेगा राजस्थान कैंपेन चलाया था। प्रधानमंत्री जी ने तो राजस्थान की तुलना मणिपुर से कर दी थी और अब अशोक गहलोत के इस एक्स पर लिखे गए पोस्ट के बाद में प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है कानून व्यवस्था के मसले पर। तो वहीं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने अशोक गहलोत पर पलटवार किया और कहा कि अशोक गहलोत अपने समय को भूल गए। आपके वक्त पर में महिलाओं पर अत्याचार हुए, राजस्थान खून के आंसू रोता था। हमारे मुख्यमंत्री ने पदभार ग्रहण करने के बाद अपराध पर राजस्थान पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने आज अपने एक्स पर एक पोस्ट की। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में अपराध बढ़े हैं। अशोक गहलोत जी, आप भूल गए अपने दिनों को। आपके समय पर महिलाओं पर जितने अत्याचार हुए, राजस्थान खून के आंसू रोता था, अपराध ग्रस्त राजस्थान हो गया था। मैं तो आभार व्यक्त करूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का। उन्होंने जिस दिन से पदभार ग्रहण किया है, अपराध के खिलाफ राजस्थान की पुलिस कठोर कार्रवाई कर रही है। पेपर लीक करने वाले लोग सलाखों के पीछे पहुंचे हैं, संगठित अपराध करने वाले लोग सलाखों के पीछे पहुंचे हैं और अपराधियों के खिलाफ कठोरता से दृढ़ता से कार्रवाई की जा रही है। आपकी हताशा जाहिर होती है इस पोस्ट से। आपको धन्यवाद देना चाहिए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने साइबर के खिलाफ जिस तरह का अभियान छेड़ा है, उन्होंने अपराधियों पर कठोर कार्रवाइयाँ की हैं और पीला पंजा चला करके अपराधियों को हतोत्साहित करने का काम किया है। आपके इस एक्स की पोस्ट से आपकी निश्चित रूप से हताशा जाहिर होती है। अब राजस्थान शांतिप्रिय प्रदेश बना है और राजस्थान को अपराध मुक्त राजस्थान बनाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो वहीं बीजेपी और बीएपी में गठबंधन की अटकलों के बीच में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने इसे खारिज कर दिया है। मदन राठौड़ ने कहा कि बीजेपी सक्षम है, हमें नहीं किसी से गठबंधन की जरूरत, पार्टी उपचुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी। तो वहीं हनुमान बेनीवाल की पार्टी से गठबंधन पर कहा कि इसकी भी कोई गुंजाइश नहीं है। राजेंद्र राठौड़ मेरे भाई हैं, उनका अपमान नहीं हुआ है। बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है या जिस तरह के बयान आपके प्रदेश अध्यक्ष की ओर से आए हैं, प्रदेश प्रभारी की ओर से आए हैं, क्या लगता है, क्या किसी के साथ में आप गठबंधन पर चर्चा कर रहे हैं? हमारे प्रदेश प्रभारी ने कभी नहीं कहा कि हम गठबंधन करेंगे। हम सक्षम हैं, हमारी पार्टी मजबूत है, हमारी पार्टी एकजुट है और सभी वर्गों को साथ में लेकर के हम चुनाव मैदान में उतरेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। चर्चाएं ये है कि राजकुमार रोत को एनडीए में शामिल करने के प्रयास चल रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि 84 की सीट आप उनके लिए खाली छोड़ रहे हैं और सलुम्बर की सीट पर आप उनसे सहयोग चाह रहे हैं, इन बातों में कितनी सच्चाई है? ये एक पूर्णतया काल्पनिक सवाल है, ऐसा कतई संभव नहीं है। फिर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी को एक तरह से ऑफर के लहजे में इस तरह का बयान क्यों देना पड़ा? ये ऑफर नहीं था, उन्होंने किसी प्रकार का ऑफर नहीं दिया। केवल विकास के लिए उन्होंने इतना कहा कि कोई भी जनप्रतिनिधि यदि जन सेवक है और विकास करना चाहता है तो जो विकास में उसकी मदद कर सकता है उसके सामने उसको हाथ फैलाना चाहिए, उसके साथ जुड़ना चाहिए, उससे सहयोग लेना चाहिए। ये उन्होंने कहा, कोई उन्होंने ये कतई नहीं कहा कि हम गठजोड़ करना चाहते हैं या हमारे साथ आ जाओ, कोई आमंत्रित नहीं किया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल को भी करीब लाने की कोशिश हो रही है और उनसे भी कहीं ना कहीं कोई बात चल रही है। बीजेपी अपने आप को बहुत मजबूत दिखाना चाहती है, जो विधानसभा की सीटें हैं उपचुनाव में अगर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती है तो यहाँ पर जो है उसकी छवि और ज्यादा बेहतर होगी, सरकार के खिलाफ एंटी इनकमेंसी रुक जाएगी। तो किस तरह की कोशिश चल रही है अभी?
देखिए हनुमान बेनीवाल जी और मैं एक ही दीवार में 5 साल तक रहे, बीच में एक ही दीवार थी। हम आपस में तो देखो हम दुश्मन नहीं है, पड़ोसी रहे ना, 5 साल तक साथ साथ रहे। मैं बता रहा हूँ ना, B5 में सचिन पायलट जी रहते थे जालूपुरा में, B6 में मैं रहता था, B7 में हनुमान बेनीवाल जी रहते थे। तो हम तो साथ साथ रहे हैं, साथ में चाय पिए, कोई दुश्मन थोड़ी है, प्रेम है, दोस्ती है हमारी। तो क्या जिन जो सीटें हैं ये जिन पर अटकलें हैं, क्या इन पर बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, गठबंधन की संभावना? फिलहाल अपने दम पर लड़ेंगे। राजेंद्र राठौड़ के लिए प्रदेश के प्रभारी ने जिस तरह का बयान दिया उससे आप कितना इत्तफाक रखते हैं? राजेंद्र जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और हमारे अभिन्न मित्र हैं, मेरे भाई जैसे हैं, मेरे बड़े भाई, मैं उनको मानता हूँ। कभी हम उनका अपमान करने की सपने में भी नहीं सोच सकते और वो भी कभी नहीं सोच सकते। हम दोनों राजेंद्र जी राठौड़ हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे। राजपूत समाज के कार्यक्रम में एक नेता ने कहा कि एरे गिरे नत्थू खेरों को राज्यसभा भिजवा दिया गया, लेकिन राजेंद्र राठौड़ जैसे कद्दावर नेता को पार्टी ने भुला दिया, आप क्या कहेंगे? तो उनके छोटे भाई को भेज दिया ना, मदन राठौड़ को राज्यसभा में। तो ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल भाई, News18 जयपुर। तो चलिए अब बात करेंगे, सरकार लाएगी नई ट्रांसफर पॉलिसी और नई तबादला नीति की तैयारी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के तबादलों में अब सिफारिश नहीं चलेगी, चिकित्सा मंत्री के निर्देशन में विभाग ने एक ट्रांसफर पॉलिसी तैयार कर ली है। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद ना तो कोई डेपुटेशन होगा और ना ही एक पद पर दो दो कर्मचारियों को लगाने की व्यवस्था रहेगी। पॉलिसी की खास बात तो यह है कि पिछड़े जिलों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक्स्ट्रा अलाउंस का भी प्रावधान किया गया है। ये खास रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग में भर्तियों की तैयारियां, नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने की भी तैयारी, एक पद पर एक व्यक्ति वाला फॉर्मूला होगा लागू। प्रदेश में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाए इसके लिए राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में रिक्त पदों की समस्या सुलझाने के लिए भर्तियों के साथ ही एक ट्रांसफर पॉलिसी लाई जा रही है। इस ट्रांसफर पॉलिसी के मुताबिक अब विभाग में जो भी भर्तियां होगी उन कर्मियों की पोस्टिंग सबसे पहले रिक्त पदों पर की जाएगी। इसके अलावा विभाग ने डेपुटेशन की व्यवस्था को भी खत्म करने का मन बना लिया है। एक पद में दो लोग बैठे हुए वो सब जाएंगे, ठीक है, वर्किंग अरेंजमेंट सब जाएंगे। मैंने मेरे 8 महीने के कार्यकाल में मैंने एक भी डेपुटेशन नहीं किया। मैंने डेपुटेशन इजिएस्ट वे होता है सिस्टम को बंजर करने का, इसलिए कि अब हमारे जब एक्सेस लोग जब निकल जाएंगे और ये ज़्यादा भर्ती आ जाएगी तो मेरा सबसे भारी उद्देश्य है कि मेरे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सब जगह मुझे ये भर्ती है और एक्सेस जो लोड है जो शहरों के अंदर है इसको मुझे करके इसको दुरुस्त करना है। अब एक ही पद पर दो दो कर्मियों को लगाए जाने की व्यवस्था भी नहीं होगी। इसके अलावा कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिए अभावग्रस्त जिलों में काम करने पर एक्स्ट्रा अलाउंस यानी कि अतिरिक्त भत्ता भी दिया जाएगा। ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार एक जगह पर 2 साल पूरे करने पर कार्मिक तबादले के लिए पात्र होंगे। हालांकि कर्मचारियों के इंटरचेंज करने पर भी विचार चल रहा है। पॉलिसी के अनुसार तबादलों की पूरी प्रक्रिया राज्य हेल्थ पोर्टल के जरिए ही की जाएगी। पॉलिसी के अनुसार कर्मचारियों को सीनियोरिटी के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में वर्गीकृत किया जाएगा। पॉलिसी में इस बात का ख्याल रखा गया कि पति पत्नी को एक ही जगह पर पोस्टिंग मिल सके, ऐसा ना होने पर आसपास के जिलों में भी पोस्टिंग उन्हें दी जा सकती है। और जो लोग हमारा प्रपोजल है अभी इसको क्लियरेंस नहीं मिली है, हमने कुछ स्टेट के मॉडल्स हमने चूज किए हैं, अच्छे मॉडल चूज किए हैं और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2-3 स्टेट्स के और देख लो। हमने ये भी प्रस्ताव रखा कि जब बैकवर्ड एरिया में जाएंगे तो उनको कुछ स्टाइपेंड कुछ उनको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलना चाहिए जिससे उनको उनके लिए वर्थवाइल हो। प्रदेश के पिछड़े जिलों में रिक्त पदों को भरने सबसे बड़ी समस्या है। नई पॉलिसी का प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री को दिया जा चुका है और अब सीएम की हरी झंडी मिलते ही प्रदेश में पॉलिसी को लागू किया जाएगा। News18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट।
और इसी बीच राजधानी